भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड के साथ साथ लगातार नए प्लेयर्स की एंट्री भी हो रही है। जहां एक तरफ ओला, एथर, बजाज और हीरो जैसे दिग्गज इस सेगमेंट को रफ्तार दे रहे हैं, वहीं नए स्टार्टअप ने कंपटीशन और बढ़ा रखा है। इस बार तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट TNGIM 24 में चेन्नई बेस्ड एक नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्लेयर रैप्टी ने अपनी एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पेश किया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाइक है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की दुनिया में रैप्टी एक नया नाम जरूर है, लेकिन कंपनी की योजनाएं काफी मजबूत हैं। कंपनी ने चेन्नई में 4 एकड़ में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, जो योजना है कि शुरुआत में 85 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस फैसिलिटी में वाहनों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अलावा अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी इस फैक्ट्री से सालाना 1 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें एक डेडिकेटेड बैटरी पैक असेंबली लाइन भी शामिल है। कैसी है नई मोटरसाइकिल? रैप्टी के पहले इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो कंपनी ने इसे ट्रांसपेरेंट बॉडी दिया है, जो कि बाइक के भीतर के मैकेनिज्म को काफी हद तक पारदर्शी रखता है। जहां ये बाइक के लुक को बाकियों से अलग करता है, वहीं इसकी मजबूती को लेकर भी कंपनी काफी आसक्त है। इसे एक स्पोर्टी लुक और डिजाइन के साथ ही स्प्लिट सीट दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी मैकेनिज्म को कंपनी ने बाइक के फ्यूल टैंक केवल दिखाने के लिए के नीचे हिस्से में दिया है, जो कि ग्लॉस के चलते पूरी तरह से दिखाई देता है। चार्जिंग पोर्ट को फ्यूल टैंक के ऊपर की तरफ दिया गया है। पावर और परफॉर्मेंस। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक बाइक 150 किलोमीटर तक का रेंज देगी। इसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है और पिकअप के मामले में भी इसका कोई जवाब नहीं है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक महज 3.5 सेकंड में ही 0 से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसे किसी भी CCS2 चार्जिंग स्टेशन पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। बताया गया है कि इसकी बैटरी महज 15 मिनट में इतना चार्ज हो जाती है कि ये आपको तकरीबन 40 किलोमीटर तक का रेंज देगी। वहीं 45 मिनट में इसकी बैटरी तकरीबन 80% तक चार्ज हो जाती है। प्राइस और लॉन्च। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक को इसी साल अप्रैल महीने में लॉन्च करने की योजना है। कंपनी ने पहला प्रोडक्शन रेडी मॉडल तैयार कर लिया है और इसे ही तमिलनाडु समिट में दिखाया गया था। कंपनी अपने प्रोडक्शन और अन्य नेटवर्क इत्यादि के बारे में पूरी तरह से तैयार है। हालांकि लॉन्च से पहले अभी इस बाइक की कीमत के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कंपनी साल 2019 से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।